अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। सरफू और सूरी की छोटी सी फैमिली में आप लोगों का वेलकम है। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, तो हम लोग दोनों की तरफ से जुमा मुबारक, दुआ में याद रखना फ्रेंड्स। और आज है ना फ्रेंड्स, सरफू की कजिन सिस्टर आ रही है कतर से, अवातिफ। मैं उससे एक्चुअल में शादी के बाद फर्स्ट टाइम मिलूंगी, क्योंकि मैं कभी इंडिया में रहती थी, वो कतर में रहती थी, तो हम लोगों की मुलाकात कभी हुई ही नहीं। तो आज वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आ रही है सऊदी में, तो आज आप लोगों को मैं क्या क्या उनके लिए प्रिपरेशंस करूंगी, क्या बनाऊंगी, वो आप लोग देखोगे अभी ब्लॉग में, ठीक है? अभी फ्रेंड्स, ये देखो चावल सरफू ने बनाए, माशाल्लाह देखो कितने अच्छे से प्रिपेयर हुए। और यहाँ मेरा बटर चिकन भी डन है, देखो। अब चलो इसको सर्व करते हैं। चार पिस्सा केएफसी है ना? चार पिस्सा फोर पीस थ्री पीस। फ्रेंड्स, अलहमदुल्ला हम लोगों का लंच हो गया है। अवातिफ आई थी तो वो भी अभी गई है बहरीन में घूमने के लिए, तो इंशाल्लाह कल आएगी वो। अभी एक्चुअल में फ्रेंड्स गए हैं अभी उनकी पार्टी ऑफिस की, तो वही गए वहाँ पे, उनके बॉस ने बुलाए सारे एम्प्लॉयज लोगों को, तो आज उनके मजे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ही लंच किए, बोले वहाँ पे जाके उन लोगों के साथ लंच करके मैं आता हूँ। तो चलिए, अभी मेरे से बर्तन वगैरह सब उठाने के, वॉश भी करना है मुझे, प्लेट्स वगैरह, तो मैं वो सब वॉश करती हूँ। सॉरी, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? ये तो आप लोग देख सकते हो, तो यही सब उठाती हूँ, सब अच्छे से रखती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्टली इवनिंग में बात करती हूँ, ठीक है? फ्रेंड्स, ये देखो प्लेट्स वगैरह सब वॉश कर ली हूँ, और ये सर्विंग डिश भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ। फ्रेंड्स, आफ्टरनून का जो वो 2:45 हो रहा है, अभी सरफू भी आने के लिए उनको भी टाइम लगेगा, तो तब तक सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, तो और फिर रेस्ट। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किए, थैंक यू सो मच आप लोग। फ्रेंड्स, ये देखो सरफू की कजिन आई थी, मैं बोली थी ना आवातिफ आई है, तो ये देखो, ये इसने गिफ्ट लाई है मेरे लिए। सरफू ओपन करके बताओ, ये स्वेट शर्ट टाइप में है, ऐसे नीचे रखो तो समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये देखो ग्रे कलर में है, स्वेट शर्ट टाइप में है, बहुत मस्त है, अच्छा है। थैंक यू अवातिफ फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और चॉकलेट्स लेकर आई एज यूजुअल, मेरे फेवरेट फरेरो रोशर। मैं आज आप लोगों को चिकन वेज समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ली हूँ अभी 1 kg बोनलेस चिकन। आप लोग बोनलेस नहीं लेना चाहते तो विद बोन भी ले सकते, ठीक है? तो ये 1 kg ऐड कर रही हूँ, और 2 tablespoons इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, ये मैंने तीनों एक साथ ग्राइंड करी, तो ये ऐड करूंगी। इसमें सॉल्ट भी एडेड है, तो इसलिए मैं अभी सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अब इसमें ऐड करूंगी 1/3 cup पानी, इसी पानी में और नमक के पानी में ही चिकन कुक होगा, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि चिकन भी जो वाटर रिलीज करता है, तो इसी में मैं इसको कुक करूंगी, फिर इसको श्रेड करके फिर मैं आप लोगों को आगे का स्टेप शेयर करती हूँ। स्पाइसीनेस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
फ्रेंड चलिए समोसे की फिलिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। वॉक लियो इसमें जो है 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल इससे ज्यादा यूज नहीं करना, कभी भी स्प्रिंग रोल्स में या समोसे में ऑयल ज्यादा यूज नहीं करना, वरना जब शीट्स में हम फील करते हैं फीलिंग को तो ऑयल सब बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इसको 1-2 मिनट तक सौते करूंगी ताकि जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन चले जाए। ठीक है, गैस मुझे सौते करते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें चॉप्ड ऑनियंस ऐड कर रही हूँ। ये 3 मीडियम साइज के मैंने ऑनियंस को इस तरीके से चॉप कर रही हूँ। तो इसको अभी ट्रांसप्यूसेंट होने तक का फ्राई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनियन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें 1 कप जो है स्प्रिंग ऑनियंस का मैं व्हाइट पार्ट ऐड कर रही हूँ। चिकन की क्वांटिटी जो है वो 1 kg है, तो उस हिसाब से मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट हो चुके हैं स्प्रिंग ऑनियन को स्टर फ्राई करते हुए। अब इसमें ये बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन की क्वांटिटी जो 1 kg है, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर धनिए का पाउडर, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 teaspoon लेवल गरम मसाला पाउडर एंड 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर हल्दी। गैस की फ्लेम जो है फ्रेंड्स लो ही रखनी है। मैंने जिंजर गार्लिक ग्राइंड करते हुए ग्रीन चिली की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी हूँ, तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें अभी कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने ग्रीन चिली की क्वांटिटी कम ली हो तो 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना, काली मिर्च का पाउडर, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें 2 लार्ज साइज के कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, शिमला मिर्च बारीक चॉप करके। उसका पानी जो है मैंने हल्का सा हाथ से ड्रेन आउट कर ली हूँ। ठीक है, तो ये ऐड करूँगी। अब जब वेजीज इसमें ऐड करेंगे तो वो टाइम पे जो है वो गैस की फ्लेम जो है हाई करनी है, वरना फिर वाटर रिलीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो वॉक छोटा पड़ रहा था तो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करी हूँ। ग्रेटेड कैरेट्स ऐड कर रही हूँ। ठीक है, स्मॉल 5-6 नंबर्स में ली हूँ। 5 से 6 मैंने गाजरों को ग्रेट करी हूँ। गैस की फ्लेम जो है हाई रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना ड्राई फीलिंग बनी है। ऐसे अगर टाइप में आप लोग प्रिपेयर करोगे ना, देखो इंशाल्लाह बहुत अच्छे समोसे आप लोगों के भी प्रिपेयर होंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट, ये लास्ट में ऐड करना वरना ये सॉगी हो जाता है। कुक करूंगी, गैस की फ्लेम जो ऑफ कर दूंगी, हो गया, दैट्स इट। वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस मेंटेन रखनी है फ्रेंड्स, एकदम सॉगी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो होममेड समोसा पट्टी से मैंने माशाल्लाह से कितने सारे समोसे प्रिपेयर कर लियो। आप लोगों को जो फीलिंग बताई तो उसी में से ये सब पूरे प्रिपेयर कर लियो मैंने। और फीलिंग बच गई थी और समोसा पट्टी भी मेरी फिनिश हो गई थी, तो इसमें जो रवा कुक करके ऐड करी हूँ तो ये इसका रोल प्रिपेयर कर लूंगी मैं। रोल भी बहुत डिलीशियस बनता है। इसमें जस्ट रवा कुक करके ऐड करी और ओरिगैनो ऐड करी हूँ, तो फ्लेवर ही पूरा चेंज हो गया। तो आप लोग भी ऐसे टाइम में आइडिया लगा के ऐसे कर सकते हैं। अभी इसके मैं छोटे छोटे रोल्स प्रिपेयर कर लूंगी, आप लोगों को शो करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैदे की स्लरी की आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ना ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली, हल्की थोड़ी थिक साइड पे ही रखनी है, बहुत अच्छे से कोट हो जाते एकदम क्रंच। देखो कितने अच्छे से रोल्स प्रिपेयर हुए। कितने क्रंची बने, देखो आप लोग आवाज सुन सकते हो और अंदर से कितने सॉफ्ट है। देखो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों को स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने 1 kg जो बोनलेस चिकन ली थी इसको कुक करी हूँ, अच्छे से श्रेड करके रखी हूँ। ठीक है, जिंजर गार्लिक और हल्की सी ग्रीन चिली का पेस्ट और सॉल्ट ऐड करके उसको बॉईल करके श्रेड करी थी। और देखो ये 1/2 cabbage ली हूँ, ये एक येलो कलर की बेल पेपर ली हूँ और एक लार्ज साइज की ऑरेंज कलर की बेल पेपर ली हूँ। और ये स्प्रिंग अनियंस का 3 व्हाइट पार्ट का ये 3 स्टिक ली, इसको कट करूंगी। अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अप्रोक्स 1 कप रहेगा। और ये इसका ग्रीन पार्ट और एक मीडियम साइज का ये ओनियन ली हूँ। अब इसको मैं जल्दी से कट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे का स्टेप शेयर करती हूँ। ठीक है, ये मैंने वेजीज कट कर ली हूँ। अब चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
देखो माशाल्लाह कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है वेल पेपर्स का। अभी ये मैंने बड़ा सा पैन लिया, इसमें 2 टेबलस्पून जितना जो ऑयल ऐड करना है, 2 टेबलस्पून से ज्यादा ऑयल मत ऐड करना फ्रेंड्स, वरना वो शीट से एकदम ऑयली ऑयली हो जाती है, ठीक है। और स्प्रिंग रोल्स भी टूट भी जाते हैं फ्राई करने के टाइम पे। जो मैंने मीडियम साइज का आप लोगों को ओनियन बताई थी तो वो ऐड करूंगी। फ्रेंड्स अभी इसमें जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 1-1 क्योंकि मैंने चिकन बॉईल करने के टाइम पे भी जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करी थी, अगर आप लोग उसमें ऐड नहीं करते तो 1 टेबलस्पून ले लेना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ठीक है। और तीखा आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना ग्रीन चिलीज का। हो चुके मुझे जिंजर गार्लिक को सौते करते हुए, अभी स्प्रिंग ऑनियंस का व्हाइट पार्ट ऐड कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स, और जितना मैंने क्वांटिटी बताई आप लोग अगर उस हिसाब से प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत डिलीशियस स्प्रिंग रोल्स बनेंगे फ्रेंड्स। ओनियन को सौते करते हुए जो मुझे 1 मिनट हो चुके हैं, अभी इसमें बेल पेपर्स ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के पास ऑरेंज या ये येलो अवेलेबल नहीं रहेगी तो ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं ना। टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, बेल पेपर का टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है ग्रीन कैप्सिकम से, तो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी तो वही ऐड करना, ठीक है। अभी देखो अभी ये पॉइंट पे जो है गैस की फ्लेम जो है हाई करनी है ताकि वेजिटेबल का जो क्रंचीनेस है वो ना चले जाए, ठीक है। हाई फ्लेम पे सौते हो रहा है, तब तक अभी सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून जो है मैं व्हाइट पेपर पाउडर ले रही हूँ, व्हाइट नहीं हो तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट पेपर का फ्लेवर कुछ डिफरेंट ही आता है इसमें स्प्रिंग रोल्स में, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, लेकिन व्हाइट पेपर जरूर ऐड करना, उससे बहुत अच्छे फ्लेवरफुल बनते हैं। और 1/2 टीस्पून जितना जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस जाएगा, ठीक है। और 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर सिरका। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। 2 मिनट हो चुके बेल पेपर को सौते करते हुए, अब ये पॉइंट पे मैं इसमें कैबेज ऐड करूंगी, ठीक है। कैबेज मैंने इसलिए लास्ट में ऐड करी बेल पेपर के बाद कि कैबेज जो ज्यादा पानी रिलीज करता है, इसको बस 1 मिनट तक ही स्टर करना है, ज्यादा नहीं। अभी ये पॉइंट पे जो सॉस प्रिपेयर किए थे वो ऐड करेंगे। और ये बॉईल किया हुआ चिकन श्रेड किया हुआ। गैस की फ्लेम जो है हाई रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब लास्ट में स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट हो गया, दैट्स इट। अब गैस की फ्लेम जो है मैं 1/2 मिनट के बाद बंद कर दूंगी, इससे ज्यादा कुक नहीं करना है वरना वेजीज जो है पानी रिलीज करने लग जाएंगे, ठीक है। देखो माशाल्लाह कितने खिली खिली फीलिंग बनी है, बिल्कुल स्टिकी नहीं है, ऑयल भी कितना कम ली हूं मैंने। इसी टाइप में अगर आप लोग प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत डिलीशियस आप लोगों के भी रोल बनेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 1 kg जो है बोनलेस चिकन ले रही हूँ मैं शामी कबाब के लिए, ठीक है। अभी ये सोखी हुई चना दाल ऐड कर रही हूँ, ये 1 कप है। ये 2 मीडियम साइज मीडियम टू लार्ज साइज के पोटैटोज ऐड करूंगी इसमें कट करके, ताकि कबाब जो है मॉइस्ट भी बने और अच्छी सी बाइंडिंग भी हो, ठीक है। तो ये ऐड इसमें ऐड करूंगी हैंडफुल गार्लिक क्लोव्स लहसुन, ठीक है। 2 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर ऐड करी हूँ, एकदम फाइनली चॉप करी हूँ चॉपर में, तो ये इसमें ऐड करूंगी, ठीक है।
फ्रेंड्स मैं जिंजर इसलिए इसमें पूरा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको चॉपर में ग्राइंड नहीं करने वाली हूँ। शामी कबाब बनाए जाते मैं उसी टाइप में आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें चॉप्ड जिंजर ऐड करी हूँ, पूरा साबुत नहीं ऐड करी हूँ क्योंकि मैं इसको आप लोगों को। और ये 3 बड़ी इलायची ऐड करूंगी, 3 तेज पत्ते बे लीव्स, ठीक है। 1/2 टीस्पून जो है वो सिनेमन का पाउडर, आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो अखियो पूरी वाली भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और ये 1 जो होल क्यूब आती है मैगी की तो वो ऐड कर रही हूँ चिकन की, ठीक है। ये जाएगा इसमें, बहुत फ्लेवरफुल कबाब बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना मेरे बोलने पे। 1/4 टीस्पून जावित्री का पाउडर, ठीक है, मेस पाउडर, इसको ज्यादा नहीं ऐड करना फ्रेंड्स वरना कबाब कड़वे हो जाएंगे। 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर, इसमें देखो ये मीडियम साइज का ओनियन ऐड कर रही हूँ तो इसको भी कट करके ऐड कर रही हूँ, मोटा मोटा कट करना है, ठीक है। 10 से 12 फ्रेंड्स ये स्मॉल जो रेड चिलीज आती है बटन रेड चिलीज वो ऐड करूंगी, अगर आप लोग बस ये अवेलेबल नहीं हो तो वो लंबी वाली भी ऐड कर सकते हैं, तो ये 10 से 12 जाएगी इसमें, ठीक है। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, हल्दी, इससे कबाब में बहुत अच्छा कलर आता है। 1 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी शाहजीरा, ये 1 टीस्पून जाएगा। 1 टीस्पून नॉर्मल जीरा, ठीक है, स्पून फुल। अब ऐड करूंगी क्रश्ड कोरिएंडर 1 टेबलस्पून फुल। अब इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट सॉल्ट, सॉल्ट जो थोड़ा ध्यान से ऐड करना, 1 टीस्पून इनफ हो जाएगा क्योंकि मैगी की क्योंकि भी ऐड करी हूं ना तो उसमें भी सॉल्ट रहता है, तो ज्यादा ऐड नहीं करना वरना सॉल्टी कबाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी, हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें पानी की क्वांटिटी जो है 2 मेजरिंग कप ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो मैं शामी कबाब प्रिपेयर करती हूँ ना, अब्बू को बहुत पसंद है, अब्बू मतलब सरकू के डैडी मतलब मेरे ससुर, उनको बहुत अच्छे लगते हैं ये कबाब। तो चलिए अब इसको प्रेशर कुक करती हूँ, फिर आप लोगों से आगे का स्टेप शेयर करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो चिकन को और पोटैटो को जो मैंने सेपरेट कर ली हूँ, और ये कुक्ड दाल है, इसको अच्छे से इस दाल को जो है वो स्टर करते हुए अच्छे से कुक करना है, ये इसी में ही पूरी गल जाएगी, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो पूरी कुक्ड है ये, ठीक है। तो रात भर सोक करने का यही बेनिफिट रहता है, ज्यादा इसको कुक करने की जरूरत नहीं रहती। देखो प्रेस करी तो आराम से टूट रही है, देखो फ्रेंड्स गैस की फ्लेम जो मैंने अभी हाई रखी हूँ, ठीक है। अभी 23 पत्ता जो इसको रिमूव कर देंगे, बोलते ना डाबीला बेस घोटी अच्छा है तो वही करना है हम लोगों को। ये मिर्ची भी इसमें पूरी डिजोल्व हो जाएगी, सिर्फ तेज पत्ता ही ऐड करना, अगर ज्यादा ऐड करोगे तो फिर ये ड्राई होने के लिए टाइम लगेगा, जितनी क्वांटिटी बोली उतनी ही ऐड करना। फ्रेंड्स अभी टाइम की शॉर्टेज है इसलिए मैं हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ, आप लोग उससे भी कर सकते हो, दाल की वो मटनी बोलते हैं ना उससे भी कर सकते हैं। देखो कितने अच्छे से हो गया है फ्रेंड्स, शामी कबाब को ना थोड़ा पेशेंटली कुक कर फ्रेंड्स। ये देखो ये मिक्सचर को मुझे कुक करते हुए 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कुक करना है, ठीक है, वरना दाल जो नीचे जल जाएगा। 10 मिनट से ज्यादा कुक नहीं करना है वरना कबाब जो है वो एकदम रूखे रूखे बनेंगे, ये आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि कितनी ठीक है, वो धीरे धीरे कुक होते होते इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो गई है, ठीक है। अब गैस की फ्लेम जो है मैं ऑफ कर दूंगी, मैंने हाई फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ, जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज्यादा कुक नहीं करना है फ्रेंड्स। ये देखो मिक्सचर ठंडा होने के बाद कितना एकदम से ठीक हो गया है, ऐसी टाइप में हो जाएगा, ठीक है। 10 से 12 मिनट तक ही कुक करना है, उससे ज्यादा नहीं कुक करना, वरना चिकन को श्रेड करियो और ये पोटैटो है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको मिक्सचर को इसमें ऐड करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ये मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ठंडा होने के अब देखो कितना गाढ़ा हो जाता है ये। अब इसमें जो ये श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ, ठीक है,
और ये पोटैटो, तो ये मिक्सचर इसमें ऐड करूंगी। वो डिलीशियस कबाब बनते हैं फ्रेंड्स। अब ये श्रेडेड चिकन जाएगा। चिकन के जो है ना फ्रेंड्स, ऐसे रेशे रेशे ही रखने, वो एकदम ग्राइंडेड है ना, शामी कबाब अच्छे नहीं लगते। शामी कबाब में चिकन के जब रेशे मिलते हैं खाने के टाइम पे तो बहुत मस्त लगता है। अब इसमें जो है ये हैंडफुल जो है कोरिएंडर ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून जितना, मिंट लीव्स, पुदीना फ्रेश वाला, और ये 4 से 5 जो ग्रीन चिलीज को मैंने बारीक बारीक कट करी थोड़ा स्पाइसी टच आने के लिए, कबाब जो चटपटे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐड करूंगी अब इसमें। फ्रेंड्स ये देखो, कबाब को एक जैसा शेप देने के लिए मैंने एक जार का ऐसा लीड ली हूँ, उसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हो। अब क्या करूंगी, ये प्लास्टिक में इसमें रखूंगी इस टाइप में। अभी कबाब के जो मिक्सचर बनाई हूँ इसको लेके इसमें जस्ट इंसर्ट प्रेस करना है, तो कैसे एक जैसे शेप के कबाब प्रिपेयर होंगे। अगर आप लोग ऐसे टाइप में प्रिपेयर नहीं करना चाहते जैसे नॉर्मली हैंड से बनाते वैसे भी कर सकते, मुझे थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना था इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, थिकनेस जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, इतना इनफ है, आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह कबाब कितने अच्छे बन गए। अब इसको जो है मैं फ्रीजर में, ये कबाबों को जो है मैं फ्रीजर में थोड़ा सेट होने के लिए रख दूंगी 10 मिनट्स के लिए, फिर उसको जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख दूंगी। फ्राई करना रहेगा तब अंडे की कोटिंग लगा के फिर इसको फ्राई करना है। शैलो फ्राई करो या डीप फ्राई करो, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। चटनी प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैंने क्वांटिटी जो ली हूँ कोरिएंडर की 3 बंच ली हूँ और पुदीने के जो 2 बंच ली हूँ, और सॉल्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर देना। मैंने 1 टीस्पून ऐड करी हुई इतनी क्वांटिटी के लिए। फ्रेंड्स क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स जो रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप लोगों के लिए एक टिप ये है उसको कलर मेंटेन रखने के लिए कि इसमें लेमन जूस ऐड करना है ताकि ग्रीन कलर जो है वो चटनी का वो मेंटेन रहे। ठीक है, कोरिएंडर की क्वांटिटी जो है वो मिंट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा लेनी है। ठीक है, अब इसमें गार्लिक की क्लोव्स मतलब लहसुन ऐड करूंगी और ग्रीन चिली, स्पाइसीनेस आप लोग आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ ताकि चटनी का कलर जो है वो मेंटेन रहे। पानी की क्वांटिटी फ्रेंड थोड़ी कम ही डालना, ठीक है, तो ही ये गाढ़ी ऐसी चटनी बनेगी। अगर ज्यादा क्वांटिटी ऐड करोगे फिर टेस्ट भी नहीं आता है चटनी में। बॉक्स पेटीज के लिए जो मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लियो, इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, स्पाइसीनेस आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। और इसमें अभी मैं ऐड करूंगी 3 से 4 जो है वो हरी छोटी हरी इलायची, ठीक है, बॉईल करने के लिए। और ये सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी, और 4 से 5 जो रहेगा वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च। पानी की क्वांटिटी जो है मैंने 2.5 कप ली हूँ। फ्रेंड्स अभी ये चिकन को जो कुक करना है और जो लेफ्ट ओवर जो पानी रहेगा उसको फेंकना नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स एक बार जब बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो लिड ओपन करके इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। फिर चिकन को जो साइड में रिमूव करके स्टॉक को भी इसको सेव करके रखना है। इसको इस चिकन स्टॉक के पीछे भी एक स्टोरी है। मैं ना एक बार चिपलून में थी मेरे ससुराल में, तभी बनाई थी तो मम्मा ने क्या किए थे, मम्मा मतलब मेरी सास ने, उनको लगा कि वो पानी फेंकना है और उन्होंने फेंक दिए थे और मुझे इतना गुस्सा आया था, तो बुरा भी लगा था कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई और मुझे कैसे ना स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छे से करती हूँ ना तो फ्लेवरफुल भी बन गई। फिर मम्मा बोलते अरे मना मत लगी फेंकिया चाहे करो तो इसलिए बता रही इसको फेंकना नहीं है। ठीक है, इसको बचा के रखना है साइड में। फ्रेंड्स चलिए अभी बॉक्स पैटीज की जो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी। ठीक है, 2 टेबलस्पून से ज्यादा ऑयल ऐड नहीं करना फ्रेंड्स। मैं जो 2 मीडियम साइज के ओनियंस को कट करके ऐड कर रही हूँ चॉप। फ्रेंड्स ओनियन जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसलिए इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट थोड़ा ध्यान से ऐड करना क्योंकि मैंने चिकन बॉईल करने के टाइम पे भी सॉल्ट ऐड करी थी। ठीक है,
फ्रेंड्स ओनियन जो ट्रांसलूसेंट हो गए, अभी इसमें जो 6 टेबलस्पून मैं मैदा ऐड करूंगी, 6 टेबलस्पून, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैदे को जो ओनियन के साथ में अच्छे से 2-3 मिनट तक भूनना है ताकि उसका कच्चापन जो चले जाए, ठीक है। गैस की फ्लेम लो ही रख के करना है। फ्रेंड्स ये देखो मुझे मैदे को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके, ठीक है। अब इसमें ठीक है को अच्छे से स्टर करना है, गुठलियां नहीं पड़ने देनी है। ये मैंने 1 कप ऐड, फ्रेंड्स मैदे को दूध के साथ में पकते हुए जो और 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें मैं चिकन स्टॉक ऐड करूंगी। जो चिकन बॉईल करने के टाइम पे मैंने आप लोगों को बोली थी पानी बचा के रखना है, स्टॉक जिसको बोलते, तो ये ऐड करूंगी। ये आप लोग बहुत फ्लेवरफुल बनता है फ्रेंड्स। ये देखो 1 टेबलस्पून फुल इसमें ऑरिगेनो जाएगा, 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स, ठीक है, 1 टेबलस्पून फुल व्हाइट पेपर पाउडर। आप लोग अगर ब्लैक हो तो ब्लैक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट से ज्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। सॉल्ट मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ तो इसलिए अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। फ्रेंड्स ऑरिगेनो ऐड करने के बाद अब इसमें ये येलो कलर की मैं बेल पेपर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और ये रेड कलर की। येलो की क्वांटिटी जो मैंने 1 ली हूँ और रेड बेल पेपर जो मैं 2 ली हूँ। तो फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कलर्स, येलो रेड। फ्रेंड्स आप लोग सॉस की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ठीक है। अब ये पॉइंट पे जो मैं गैस की फ्लेम जो मैं ऑफ कर दूंगी, देखो हल्का सा रनी है, ठीक है, ये ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगा। मैंने ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट ऐड करूंगी, ठीक है, गैस की फ्लेम जो ऑफ है। मिक्सचर को जो ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का स्टेप शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग अभी ये सॉस की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ठंडा होने के बाद देखो ये कितना ठीक हो गया है। अब इसमें जो है वो श्रेडेड चिकन ऐड करना है। ये चिकन की क्वांटिटी जो है 1 केजी है, ठीक है, 1 केजी के हिसाब से मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताई हूँ। लोगों की सॉस की कंसिस्टेंसी अगर ऐसी थिक नहीं बनती है तो उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देना, या तो 1-2 चम्मच मैदा इसमें ऐड करना कुकिंग के टाइम पे, ठीक है। लेकिन जब मैदा ऐड करोगे तो वो टाइम पे गैस की फ्लेम जो लो रखनी है और कंटिन्यू स्पीड में स्टर करना है, वरना फिर उसमें लम्स प्रिपेयर हो जाएंगे। इसको जो है और चीजी बनाने के लिए मैं इसमें मोजरेला चीज ऐड कर रही हूँ। चीज की क्वांटिटी जो है फ्रेंड्स मैंने 1 कप ली हूँ मेजरिंग कप। चीजी और बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करो। अगर आवेशा और रेहान के तो ये फेवरेट पैटी है, जब देखते बैठेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। लो 1 टेबलस्पून फुल ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। सब वो मिर्ची का रख दो, मेरा दूसरा काम करने अभी इधर तो ये प्लीज क्या जरूरी है इधर ये बॉक्स पेटी का जैसा बोर्ड वैसा करो, ये तुम कर सकते हैं। अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम लगा के प्लेट में रख दो, उसको सेट कर दो। नहीं नहीं बनाने का मत, मैं कर लेता ना। अरे बनाने का ना, खाली डिप करना है। पूरा कर लेगा टेंशन मत लो, बिना तो के कर दो, बस कस्टम पूरा करूंगा। मत यार फ्रेंड्स ये देखो, अभी फ्रेंड्स ये बॉक्स पेटीज को जो एग के मिक्सचर में डिप करना है, ठीक है, एंड देन इन ब्रेड क्रम्ब ये करने।